अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अब ये जो है तो तैयारियां शैरियां आपको देख के लग ही रहा होगा कि आज तो कुछ स्पेशल है। जी हाँ, आज बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि आज के दिन मेरे ट्विन्स माशाल्लाह से भतीजे हुए थे, तो आज उनकी फ़र्स्ट बर्थडे है। 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर अजलान जो है ना, तो वो मस्तियाँ कर रहा था बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था, और बैलून के पास जाता तो बैलून फट जाता, तो फिर ये और ज़्यादा वो हो जाता है, हैरान हो जाता कि ये क्या हो गया है ना। तो बस यहाँ पर मैं उसी के साथ लगी हुई थी, साथ में बैलून्स वगैरह बनाए, हैप्पी बर्थडे वाला पूरा वो उसका वो जो था लिखा हुआ ये पूरा रेडी किया। और ये बैलून्स की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लगाते ही तो बस वो फट जाता, कुछ मज़े के थे ही नहीं और बस गुजारा ही हुआ है ना। तो जैसे ही दीवार पे लगाते तो ये फट जाता, दीवार पे क्या लगाते वैसे नीचे रखे रखे हुए बस ये फट रहे थे। बस ये वही तैयारियां वगैरह कर रहे थे हम लोगों ने। सबसे पहले जो है तो पीछे वो कर्टन सा लगाया, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे वाला पूरा लगाया बड़े आराम से। तो बस इसी तरह ही थोड़ी थोड़ी तैयारियां करते करते तो ये हमारा जो है तो ये रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा? तो खुद ही की सारी डेकोरेशन वगैरह थी, तो जो जहन में आ रहा था बस वो लगाई जा रहे थे, उस तरह लगाए जा रहे थे। और अब इनका जो है तो वो प्रीशियस और स्पेशल टाइम आ चुका है केक कटिंग का। तो बस ये केक कटिंग का टाइम आ चुका था और इनके लिए स्पेशल केक बनवाया था जिसपे इनकी पिक्चर थी। तो बस ये इनका केक कटिंग का टाइम आ चुका था। इसके यहीं पर जो है तो अच्छा केक था, ब्राउनी टाइप का कुछ केक था, ऊपर से इन्होंने जो है तो वो चॉकलेट क्रीम से लगा के तो वो उसको रेडी किया हुआ था। चलो कटो मार बस अभी ये आहिस्ता आहिस्ता जो था वो ट्रे में जो था भाई डाल के देता जा रहा था चावल वगैरह, और खाली चावल नहीं थे और भी काफ़ी चीज़ें वगैरह थी, तो बस ये चावल वगैरह डाल रहा था। तो इसी के साथ हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता डाल के दे रहा था। आगे कज़न्स वगैरह खड़े थे, भाई खड़े थे, तो वो आगे लेके जा रहे थे चावल। तो बस ये छोटी मोटी तैयारियां थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने टाइम बाद जो है तो जब गैदरिंग वगैरह होती है, कज़न्स वगैरह आपस में मिलते हैं, बातें वगैरह होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ से जो है तो वो जैसे उसने डाला तो फिर ये मैंने मैक्रोनी वगैरह चाट वगैरह डाल के रख दी। तो फर्स्टली ये जो थी वेजिटेबल प्लस चिकन मैक्रोनी बनाई थी, साथ में चना चाट रेडी की थी, साथ में रायता था, और बस यही था। तो और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, और बस ये हमारी तैयारियां थी। तो बस उसके बाद जो है तो जैसे खाना शाना खाया तो गिफ्ट्स ओपनिंग की बारी आ गई, तो ये लाए थे। तो ये फर्स्ट गिफ्ट आया था, दो गाड़ियां लेके आए थे, कज़न से लेके आए थे। रिश्ते में जो है तो जुहान और अजलान के ताया भी लगते हैं, और ये मिन्हा है, मेरी नंद की बेटी है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, माशाल्लाह बोल दीजिएगा आप भी। और ये बस गिफ्ट्स ओपनिंग कर रहे थे, तो फिर जो था देर हो गई थी, तो फिर हमने अकेले में रात को ही की थी जब सब चले गए थे, क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा था। इधर ओपन कर रहे थे लेकिन फिर नहीं किया ना। मैं पानी।
तो एयर कैप खोल लो उसको थोड़ा थोड़ा ये पास टोर्सी कौन है साहब आप टूटती है जल्दी नहीं तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो है तो हम गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे, रात का टाइम था मेरे ख्याल से 10:30 का टाइम होगा ना, तो बस ये इसकी खाला की तरफ से गिफ्ट आया था वो थे कि मिन्हा की मम्मा ने दिया थी ये दोनों गिफ्ट्स, बहुत प्यारी क्यूट सी गाड़ी थी और साथ में जो था तो स्कूटी टाइप थी और उसके ऊपर जो था कोई बंदा सा बैठा हुआ था, बस ये थे, बस इनके साथ लगे हुए इनको लगाया और बहुत क्यूट सी गाड़ी थी, ये देखें कितनी प्यारी गाड़ी है ना, छोटू सी गाड़ी, तो बस इसके अंदर सेल वगैरह डाले, इसको रेडी किया, चले गए, तो कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी ना, तो बस ये लाइटनिंग थी और सबने जो गिफ्ट्स दिए वो बहुत बहुत माशाल्लाह से प्यारे थे, लाइटनिंग है ना सारी गाड़ियाँ जो भी चीज़ें जो भी गिफ्ट्स आए ना सबके अंदर लाइटनिंग थी, तो वो बच्चे को ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बच्चे को क्या बड़े को भी बहुत अट्रैक्ट करती है, तो बस इसी तरह इसका सेकेंड गिफ्ट ओपन किया तो इसमें से ये बंदा निकला बंदे को स्कूटी पे बिठाया और इसको बिठा तो दिया बट ये वापस उतरा ही नहीं, इसको उसी तरह ही छोड़ दिया क्योंकि ये था कि कहीं ये टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए ना, तो फिर मैंने कहा बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब नहीं उतरना तो क्योंकि ज़्यादा खींचा ये ना उसका पाँव टूट जाए या उस तरह का कोई मसला हो जाए, तो फिर हम लोगों ने नहीं उतारा इसको ना, ये बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट सा था गिफ्ट, बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो ये आपको कैसे लगे हैं गिफ्ट, हर किस्म का गिफ्ट आया मेरे ख्याल से, तो हर किस्म का गिफ्ट आया जिस चीज़ को जो भी पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत यूनिक से गिफ्ट आए हैं सबके लिए, बहुत ही प्यारे गिफ्ट थे माशाल्लाह से। ये भी ज़ुहान असलान के जो हैं तो चाचू की तरफ से ही आया है गिफ्ट, मतलब कि वो हमारे कज़न और इनके जो हैं रिश्ते में चाचू ही लगते हैं मेरे, हमारे खुद के चाचू के बेटे हैं तो वो ज़ुहान असलान के भी चाचू ही लगे, तो उनकी तरफ से आया था ये, छोटे चाचू की तरफ से गिफ्ट आया था, पीछे करो इसको पीछे, ये भी छोटे चाचू की तरफ से गिफ्ट था, उनके घर के 3 गिफ्ट आए थे बहुत ही ज़्यादा प्यारे, तो ये कपड़े भी उन्हीं के थे और ये जो आगे गाड़ी खड़ी है फ्रंट में जो है तो ये भी उन्हीं की तरफ से ही आई थी, रात का व्लॉग तो फिनिश हो चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गिफ्ट्स ओपनिंग में, केक कटिंग में, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये गिफ्ट्स वाले ही इनको सुबह सुबह कपड़े पहनाए, प्यारा सा तैयार किया, और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह ही मेरे व्लॉग्स देखते रहें, प्यार देते रहें, अल्लाह हाफिज़।